सो हेलो एवरीवन, आज मैं अपना एक नया चैनल शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें मैं बहुत सारी वीडियोस डालूंगा जो कि डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है सबके लिए। इसमें जो पहली वीडियो है वो मैंने डिफरेंस ड्रॉ किया है बिटवीन आर्मी एंड बीएसएफ, और इवन बीएसएफ का मैंने बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको बताए हैं। तो आर्मी जो है वो इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर आती है, जो कि जैसे आपका इंडियन एयरफोर्स है, जो आपका इंडियन नेवी है, और इंडियन आर्मी। ये जो जो ट्राई सर्विस है, जो इंडिया में ट्राई सर्विस है, उसके अंदर आर्मी आती है। और जो बीएसएफ है, दैट इज बेसिकली अ पैरामिलिट्री फोर्स। ये पैरामिलिट्री फोर्स है, और ये जो है ये बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस में काम आती है। जो बीएसएफ है उसका जो लोगो है वो कुछ इस प्रकार है, जैसे आप देख सकते हैं, और इसका जो मोटो है वो ड्यूटी अनटू डेथ है। और इसी के साथ साथ जो इंडियन आर्मी है वो लेफ्ट में उसका लोगो बना हुआ है, और इसका जो मोटो है वो सर्विस बिफोर सेल्फ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या चीज़ें हमको पता है, क्या चीज़ें हमें नहीं पता। तो जैसे कि आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे मिसकंसेप्शन लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कुछ गलत फहमी है हमारे अंदर। वो क्या गलत फहमी है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स बीएसएफ जो है वो मिस्टेकन की जाती है आर्मी को लेकर के। यानी कि हम बीएसएफ को कभी आर्मी बोल देते हैं, आर्मी को कभी बीएसएफ बोल देते हैं। और ज़्यादातर क्यों नहीं ऐसा होता है, ऐसा डिफिकल्टी क्यों आती है हमको डिस्टिंग्विश करने में, क्योंकि मोस्ट पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ द डिफरेंस। तो लेट अस सी द डिफरेंस, क्या डिफरेंस होता है। सो कुछ डिफरेंस जानने से पहले मैं आपको कुछ ब्रीफ में बीएसएफ के बारे में बताऊंगा। सो बीएसएफ इज बेसिकली इंडिया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। नाउ बीएसएफ इज इंडिया, ये तो समझ में आ रहा है। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब क्या है? देखिए, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का ये मतलब है कि जो अगर कोई भी एंटी नेशनल एलिमेंट हमारे सीमा पे घुसने की कोशिश करता है, बॉर्डर पे, इसका मतलब क्या है? जैसे कि अगर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये हमारा बॉर्डर है, जैसे ये पाकिस्तान है और ये हमारा जो बॉर्डर है, ये टोटल यहाँ से गुजरात का पार्ट है, ये राजस्थान का पार्ट है, ये पंजाब का पार्ट है, ये जम्मू कश्मीर, और ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है हमारा। इसमें क्या है, जो पूरा जो बीएसएफ है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा फैला हुआ है। मैं आपको अभी बताऊंगा भी। तो इसमें क्या है कि जो हमारा जो बीएसएफ है वो कौन कौन सा बॉर्डर गार्ड करता है? तो सबसे पहले तो ये इंडिया बॉर्डर, जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, और खास करके जो बांग्लादेश का बॉर्डर है, ये दोनों बॉर्डर को गार्ड करता है। तो कोई भी एंटी नेशनल एलिमेंट, कोई भी स्मगलिंग होती है, तो आप बार बार अखबार या कहीं पढ़ते होंगे कि बीएसएफ ने उसको पकड़ा। जो बीएसएफ है वो बेसिकली जो स्टेट की पुलिस है उसके साथ मिलकर के कुछ ऑपरेशन रन करती है। और जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो कि इसको दिया गया है एज अ टाइटल, वो उस पर हमेशा खरा उतरती है। तो ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या है, लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स इन द वर्ल्ड, मीन्स जो बीएसएफ है वो सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है दुनिया की। यानी कि इतनी बड़ी संख्या में, इतना बड़े पर्सनल्स के साथ, इतने बड़े लोगों के साथ, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कोई भी ऐसी पैरामिलिट्री फोर्स पूरे दुनिया में नहीं है जो कि बॉर्डर को गार्ड करती है। अच्छा, ये बॉर्डर गार्ड करती है तो आर्मी क्यों बॉर्डर गार्ड नहीं करती है, या फिर और कोई स्टेट पुलिस क्यों बॉर्डर गार्ड नहीं करती है? बहुत कुछ क्वेश्चन आते हैं हमारे माइंड में। तो ये हमें पता चलेगा कि कैसे बीएसएफ को फॉर्म किया गया था। उससे पहले हम देखते हैं कि थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ओनली पैरामिलिट्री टू हैव एयर एंड वाटर विंग। तो ये ओनली पैरामिलिट्री जिसके पास खुद की इन्फेंट्री यूनिट, जो कि हम बटालियन के नाम से जानते हैं, और एयर और वाटर विंग, डिफरेंट डिफरेंट पैरामिलिट्रीज है हमारे यहाँ पे। जैसे कि हमारे पास सीआरपीएफ है, एसएसबी है, और डिफरेंट है, असम राइफल्स भी आता है उसके अंदर। उनके पास ना अपने पास एयर एयर विंग भी नहीं है और वाटर विंग भी नहीं है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये बॉर्डर को देख रेख करते हैं, तो इनके पास कुछ रिसोर्सेज ज्यादा होना बहुत जरूरी है हमारे इंटरनेशनल बाउंड्री को गार्ड करते हुए। तो बीएसएफ क्यों क्यों फॉर्म किया गया था? तो क्या था कि 1965 में जब हमारा वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ, तो इंडिया का जो बॉर्डर था वो किसके द्वारा हैंडल किया गया था? मैंड बाई द स्टेट आर्म्ड पुलिस बटालियन। दैट मीन्स दैट कि जो स्टेट की जो आर्म्ड पुलिस थी उसकी बटालियन जो है, बटालियन मीन्स इज अ बेसिकली ग्रुप ऑफ सम पीपल, जो कि पुलिस की कुछ टुकड़ी होती है, वो संभालती थी। और पक्का आपको पता है कि अगर पाकिस्तान की मिलिट्री अटैक कर रही है, जैसे सरदार पोस्ट पे उन्होंने अटैक किया, चहार बेट पे, बरिया बेट पे, और डिफरेंट डिफरेंट 9 अप्रैल 1965 को कच्छ में जो अटैक हुआ था उसमें उनकी मिलिट्री अटैक कर रही थी, अगर मिलिट्री अटैक हो रहा है तो क्या वो स्टेट पुलिस उसको संभाल पाएगी? ऑब्वियस सी बात है, नहीं संभाल पाएगी। तो इसीलिए एक इनएडिक्वेसी, यानी कि इनका इनसफिशियंट लगा कि इनका रोल जो है स्टेट आर्म पुलिस का, वो एक कहीं ना कहीं तक स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ एंड ऑर्डर को सीमित रखना ही होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वो आर्म्ड एग्रेशन में शामिल हो।
तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये फील किया कि एक ऐसी स्पेशलाइज्ड कंट्रोल्ड, सेंट्रली कंट्रोल्ड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया जाए, जहां पे वो पूरे बॉर्डर, जो भी हमारा पाकिस्तान बॉर्डर है, बांग्लादेश बॉर्डर है, और भी बॉर्डर्स हैं, पर उसको बीएसएफ नहीं संभालती, वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो ये जो है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर जो है, पहले ये पाकिस्तान के लिए बनाया गया था, क्योंकि पहले ईस्ट पाकिस्तान और जो वेस्ट पाकिस्तान अपना यहाँ पे है, वो उसके लिए बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। तो आज के डेट में क्या बीएसएफ का रोल रहा है और क्या बीएसएफ का रोल कर रही है आजकल, वो हम जानते हैं, जल्दी से देखते हैं। तो इट गार्ड्स 4,156 किलोमीटर लॉन्ग इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश। मतलब इतना इतना लंबा, मतलब काफी लंबा है ये, और इतना लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर वो बांग्लादेश के साथ गार्ड करती है, जिसमें कि सुंदरबन डेल्टा इन द बे ऑफ बंगाल विद इट स्टेट्स आर्ट फ्लीट ऑफ वाटरक्राफ्ट। जैसे कि मैंने बताया कि उसके पास अपनी वाटर विंग है, तो सुंदरबन डेल्टा कहाँ है ये सुंदरबन डेल्टा, ये कुछ यहाँ मिलेगा आपको। जैसे ये जो कोलकाता वाला रीजन है, ये यहाँ पे कहीं पे सुंदरबन डेल्टा होता है, तो ये जो पूरा बाउंड्री है, इसको जो है बीएसएफ गार्ड करती है, और यहाँ से लेके पूरा ये एरिया जो है बीएसएफ का, ये जो कलकत्ता से होके ये सिलीगुड़ी होते हुए जो असम में, मेघालय में, आपका यहाँ तक कि त्रिपुरा में, मिजोरम में, ये पूरा एरिया में, यहाँ तक कि मणिपुर में भी बीएसएफ की टुकड़ी रहती है, नागालैंड में भी बीएसएफ की टुकड़ी है, पर म्यांमार बॉर्डर बेसिकली असम राइफल संभालती है, इसीलिए वो उतना ज्यादा वहाँ पे सक्रिय नहीं है। और क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो ऊपर वाला बॉर्डर है, इसको एसएसबी संभालती है, जो नेपाल बॉर्डर है खास करके यहाँ वाला, और ये जो बॉर्डर है, चाइना वाला बॉर्डर है, ये वाला बॉर्डर, इसको एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल संभालती है। तो ये जो है, यही है मेन है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि और क्या क्या होता है। तो डिफरेंट उनके पास वोट्स हैं वगैरह हैं, उससे वो गार्ड करते हैं। और अब पाकिस्तान के साथ कैसे गार्ड होता है ये देखेंगे हम। तो पाकिस्तान जो बॉर्डर है, ये यहाँ गुजरात से शुरू होता है, और ये पूरा जो इलाका है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तक का है, ये बीएसएफ भी गार्ड करती है, और ऊपर हिस्सा में आर्मी भी है। आर्मी बेसिकली यहाँ पे गार्ड करती है, खासकर जम्मू कश्मीर वाले इलाका में आर्मी रहती है, और बीएसएफ भी उनके साथ रहती है, दोनों एक साथ ऑपरेट करते हैं ऊपर में। पर ये जो इलाका है ना, जो पंजाब से लेकर के, राजस्थान से लेकर के, जो गुजरात तक आता है, ये पूरा बीएसएफ द्वारा गार्डेड है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं, ये जो बॉर्डर है, जो ध्यान से सुनिएगा मेरे बात, जो गुजरात से लेकर के जो ऊपर तक का बॉर्डर है, यहाँ तक, यहाँ अमृतसर या फिर जम्मू से पहले का जो बॉर्डर है, यहाँ तक ये जम्मू का भी कुछ बॉर्डर का हिस्सा कुछ है, वो पूरा फेंस्ड बॉर्डर है, फेंसिंग लगी हुई है वहाँ पे, तारबंदी जिसको कहते हैं, इसीलिए इसको जो है हम लोग इंटरनेशनल बाउंड्री कहते हैं। जो इससे ऊपर वाला इलाका है, यहाँ पे बेसिकली नो मैंस लैंड भी रहता है बीच में, जहाँ पे कोई डिमार्केटेड बाउंड्री नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ये जो इलाका देख रहे हैं आप, ये वाला इलाका, ये बेसिकली चाइना द्वारा ऑक्यूपाइड है, इसीलिए हम इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं दिस इलाका। अब ये जो, ये यहाँ से लेकर के और यहाँ से लेकर के ये जो हिस्सा है, ये बेसिकली इधर वाला हिस्सा जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये बेसिकली पाकिस्तान के पास है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है, ये किसके पास है, ये अपना चाइना के पास है। तो ये जो बीच वाला जो इलाका है यहाँ वाला, अगर ये यहाँ से अगर हम हट जाते हैं, तो ये जो है और पाकिस्तान जो है, ये आपस में मिल जाएंगे, ये आपस में मिल जाएंगे, तो ये जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हमारे हाथ से चला जाएगा, और यही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट सियाचिन ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर में है, जॉइंटली एक्ट करती है। फिर और क्या काम है इसका, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और पीसफुल कंडक्ट करवाना इलेक्शंस में। तो आप ज्यादातर देखते होंगे कि इलेक्शन ड्यूटी में भी पैरामिलिट्री फोर्सेज, जैसे कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, इनकी कंपनीज या बटालियन हमेशा तैनात रहती हैं, और पीसफुल इलेक्शन काफी सक्सेसफुल माना गया है पैरामिलिट्री फोर्सेज को इलेक्शन कंडक्ट करवाने में। और एक और रोल क्या है इनका, कि ये नक्सल इंसर्जेंट्स वाले जो इलाका है, जो उनका जो मेनेस, मेनेस यानी कि जो वो जो भी वो फैलाव करते हैं, जो खराब चीजों का, उन सब चीजों से प्रिवेंट करने के लिए जो है, ये नक्सल्स जो है, ये जो है बेसिकली ये अंदरूनी, आप जानते ही होंगे, छत्तीसगढ़ इलाका हो गया या झारखंड इलाका हो गया, तो वहां पे ये काफी सक्रिय है। तो उनसे बचाव करने के लिए भी हमारा जो एंटी नक्सल ऑपरेशन चलता है, वहां पे भी ये जाती हैं, जिसको हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी वाले मिशन कहते हैं। यहाँ तक कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए भी ये जाने जाते हैं, और इंटरनेशनल यूएन की पीस कीपिंग मिशन, जो कि कॉन्गो, हैती, ये सब में होते हैं, जहाँ पे इकट्ठा किए जाते हैं, वहां पे भी ये जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आजकल बीएसएफ न्यूज में क्यों है। तो ये
आजकल न्यूज में इसलिए है क्योंकि एक डिबेट छिड़ी हुई है। क्या डिबेट छिड़ी हुई है कि जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं उनको इंडक्ट किया जाए या ना किया जाए टू हायर पोस्ट, क्योंकि उनके पास कोई फील्ड एक्सपीरियंस नहीं होता। इसमें क्या होता है कि जो बीएसएफ होती है या फिर और भी कोई पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, इसमें जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं उनको डायरेक्टली इंडक्ट कर लिया जाता है एज हायर पोस्ट, और वो उन लोगों को कंट्रोल कर रहे होते हैं जिनके पास ऑलरेडी फील्ड एक्सपीरियंस है, लेकिन इनके खुद के पास कोई फील्ड एक्सपीरियंस नहीं होता। इसीलिए ये जो है ये जा नहीं पाते। कहाँ नहीं जा पाते? ये बेसिकली उस उन इलाकों में नहीं जा पाते, ये बेसिकली ज्यादातर ऊपर या अच्छे अच्छे इलाकों तक ही सीमित रह जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत दिनों से उठ रहा है, तो देखते हैं। ये डिबेटेबल टॉपिक है और काफी डिबेट चल रही है आजकल। तो शायद रोक भी दी गई है, आईपीएस ऑफिसर ज्यादा जा नहीं रहे हैं, डीजी पोस्ट पे बस जा रहे हैं, आईजी वगैरह पे या डीआईजी पे कम ही जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये कंपैरिजन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, देखिए यहाँ पे आर्मी है, यहाँ पे बीएसएफ है। तो जो आर्मी है वो मिलिट्री के अंदर आती है और जो बीएसएफ है वो पारा मिलिट्री के अंदर आती है। ये मिलिट्री और पारा जो है ये तो बस ऐसे आपका नाम से अंतर पड़ रहा है, पर ये बेसिकली एक रिजर्व टाइप की बटालियन होती है, ये पूरी टुकड़ी जो होती है। अब टोटल पर्सनल आप देखेंगे आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि टोटल डिफरेंस क्या है। देखिए 1.4 मिलियन की पॉपुलेशन है, इसका मतलब है कि यहाँ और इसकी देखिए इसके अराउंड 2,57,363 जो कि अप्रोक्सीमेटली है। तो आप देख सकते हैं कि एक लार्ज डिफरेंस आ रहा है। अब ये लार्ज डिफरेंस आता क्यों है? ये इसलिए आता है क्योंकि जो आर्मी है उसमें बहुत सारे रेजिमेंट्स हैं, जैसे पंजाब रेजिमेंट हो गया, बिहार रेजिमेंट हो गया, और ये पूरे इंडिया में फैली हुई है। बिकॉज इनका जो काम है ये टोटली क्या है कि इनमें डिफरेंट डिफरेंट जो होते हैं, इनके डिफरेंट डिफरेंट रेजिमेंट जो होते हैं, जैसे एयर डिफेंस हो गया या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो ये काम करते हैं, आर्टिलरी हो गया या फिर इन्फेंट्री यूनिट्स हो गए अलग अलग जगह पे। पर बीएसएफ में क्या होता है, कुछ बटालियंस होते हैं, कुछ फ्रंटियर्स होते हैं, कुछ सेक्टर हेडक्वार्टर्स होते हैं। इन सेक्टर हेडक्वार्टर्स या बीएसएफ या फ्रंटियर्स में बेसिकली कुछ बीएसएफ की पैरामिलिट्री यूनिट्स जो तैनात होती हैं और यहाँ से वो बॉर्डर गार्डिंग करती हैं। अब ये मिनिस्ट्री देख लेते हैं किसके अंडर कौन आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है आर्मी और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है आपका बीएसएफ। डिप्लॉयमेंट देख लेते हैं, डिप्लॉयमेंट में ये वॉर टाइम में डिप्लॉयड रहते हैं और ये पीस टाइम में डिप्लॉयड रहते हैं। पहले क्या होता था कि इनके पास इतनी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, क्योंकि पहले पहले जल्दी जल्दी फॉर्म ही हुआ था 1965 में। अभी इन्होंने हाल ही में अपना 50th एनिवर्सरी यानी कि 50th जुबली भी मनाया है। तो वहां पे क्या है कि क्या था, उस समय उनके पास इतने रिसोर्सेस नहीं थे कि वो समय होल्ड कर पाए, इसलिए आर्मी को टेक ओवर करना पड़ता था। लेकिन आज क्या है, आज के डेट में अगर वॉर होता है तो ये साथ में लड़ने के योग्य है। कंपोजिशन देखें तो आर्मी में क्या डिफरेंस है, सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि यहाँ पे केवल कैडर ऑफिसर्स आते हैं, यानी कि जो खुद के जो कैप्टन से जो मेजर से होते हुए जो ऊपर तक जाते हैं वही केवल बड़े पोस्ट पे जाते हैं। पर यहाँ बीएसएफ पैरामिलिट्री में जो खुद बीएसएफ कैडर के हैं वो और आईपीएस कैडर ऑफिसर, ये दोनों ही जो है ये इसमें शामिल होते हैं, पर ये आर्मी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। फैसिलिटीज की बात करें तो फैसिलिटीज में आर्मी में ऑफकोर्स आपको सीएसडी कैंटीन मिल जाता है जो कि बहुत फेमस है, ज्यादातर लोग इसके लिए ही जानते हैं आर्मी को। और वन ट्रैक वन पेंशन जो हाल ही में न्यूज में था, और राशन मिलता है, राशन यानी राशन भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, फ्री में मिलता है आपको। पर यहाँ पे क्या है कि बीएसएफ या अलग अलग डिफरेंट पैरामिलिट्रीज या सीएपीएफ में वहाँ पे सीपीसी कैंटीन होता है, पहले सीएसडी हुआ करता था लेकिन उसको स्क्रैप आउट कर लिया गया। उसके बाद राशन मिलता नहीं है बट उसका अलावेंस दिया जाता है। पेंशन क्या बोलते हैं, 2001 या 2003 के बाद जो है आपका पेंशन बंद कर दी गई है। उसमें क्या है कि आपको डिफरेंट रूल्स दिया गया है, कुछ अमाउंट जमा हो जाता है तो आपको एंड ऑफ इट मिल जाएगा। नो, अब रैंक स्ट्रक्चर देखते हैं, रैंक स्ट्रक्चर किस प्रकार से है। तो रैंक स्ट्रक्चर आप बीएसएफ का देखें, यहाँ पे बीएसएफ फॉल्स अंडर सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, ये पूरा संगठन है जिसमें कि बीएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ सेक्टर आते हैं। तो इसमें पूरा ही देखिए हायर पोस्ट से लेकर लोअर पोस्ट तक है। एक कॉन्स्टेबल अगर भर्ती होता है तो वो यहाँ पे भर्ती होगा, ये हेड कॉन्स्टेबल है। ये जो आप नीचे देख रहे हैं तीन लेफ्ट साइड में, ये जो है ये जूनियर कमीशन वाले हैं जो कि आप पुलिस में भी देखते हैं, एएसआई, जेकी, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर। और ये जो ऊपर दिख रहे हैं आप रैंक्स, ये सारे कमीशन ऑफिसर्स हैं। ये जो है ये कैप्टन होता है आर्मी में, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये कैप्टन है आर्मी में, ये है आर्मी का। और यहाँ पे ये जो नीचे जो सिपाही होता है ये इनको सिपाही कहते हैं, जो वहाँ पे कॉन्स्टेबल होता है। यहाँ पे लांस नायक होता है, नायक होता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है केवल हवलदार जो होता है उसको कॉन्स्टेबल, हेड कॉन्स्टेबल कहते हैं। देखिए आप हेड कॉन्स्टेबल आपको दिखेगा, यहाँ पे हेड कॉन्स्टेबल होता है। बाकी यहाँ पे जो ये जो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट होती हैं आप देख सकते हैं, इसको वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। ये जो कमांडेंट लेवल होता है ये बेसिकली यूनिट को संभालता है, ये कंपनी को संभालता है, और ये जो है ये पूरा सेक्टर हेडक्वार्टर को संभालता है, ये पूरा फ्रंटियर हेडक्वार्टर को संभालता है, ये जो है पूरा एक पर्टिकुलर जोन या फिर पूरे बीएसएफ या फिर पूरे उसको संभालता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बड़ा जो सबसे रैंक है यहाँ पे फील्ड मार्शल का है। ये जो रैंक है ये बेसिकली अपने जो बीएसएफ है या फिर डिफरेंट डिफरेंट सीएपीएफ है उनके डीजी वाले रैंक से भी बड़ा होता है। और ये फील्ड मार्शल रैंक आज तक दो ही आदमी को दिया गया है, एक है सैम मानेकशॉ और दूसरे हैं के एम करियप्पा। माना जाता है कि जितने भी रैंक्स होती हैं ये कभी रिटायर नहीं होती, इसीलिए पहले जो है किसी के भी, जैसे अगर नाम है मान लीजिए कर्नल विवेक सिंह,
तो कर्नल विवेक सिंह का पहले रिटायर्ड कर्नल विवेक सिंह लिखा जाता था, लेकिन उसके बाद कुछ लोगों ने उसके बारे में विद्रोह किया, तो उसके बाद ये माना गया कि जो रैंक होती है वो कभी रिटायर नहीं होती, इसीलिए अब रिटायर्ड जो है वो बाद में लिखा जाता है और ये रैंक के साथ रिटायर्ड नहीं लिखा जाता। तो यहाँ देख सकते हैं अलग अलग रैंक है, सूबेदार मेजर है इन लोगों का, ब्रिगेडियर है, कर्नल है, कर्नल जो है वो वहाँ पे जैसे यूनिट संभालते हैं, यहाँ पे भी यूनिट को संभालता है, यहाँ पे ब्रिगेडियर ब्रिगेड हेडक्वार्टर संभालता है, मेजर जनरल है जो कि वहाँ पे आपके आईजी रैंक का है, ये अपना क्या बोलते हैं ये जो है अपना लेफ्टिनेंट जनरल हो गया, ये अपना डीजी रैंक का अपना वहाँ पे है, ये जनरल है जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, ये भी उससे बड़ा है। देखिए वहाँ पे भी आपको दिखाऊं तो यहाँ पे भी देखिए एक अशोक और एक ये तलवार होता है और ये बैटन टाइप का रहता है, इसको बैटन कहते हैं, ठीक है। तो यही था पूरा जो डिफरेंस था। थैंक यू देखने के लिए, और मैं और बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा अभी, देखते हैं अगला टॉपिक क्या होगा। अगर आपको कुछ टॉपिक चाहिए तो आप प्लीज़ लिंक में नीचे कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। मेरा नाम है अमन सिंह एंड गुड बाय, वेरी गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच आपको देखने के लिए, सपोर्ट करें मेरे चैनल को, चैनल नया है। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।